लगेगा, कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बट कंटिन्यू रहिएगा, दल दवाई की डाक्टर रेडी रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। और आज ही बारात से निकलने को है, यहाँ आज हम लोग बारात जाने वाले हैं। बाकी का नज़ारा हम आपको शादी का फिर दिखाएंगे, थोड़ा सा वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, अभी हमारे साथ कंटिन्यू। फिलहाल हम आए हुए हैं पनकट्टी की जगह पे। अभी यहाँ पे पनकटाई हो रहा है, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ है। अभी पनकटाई शुरू हो चुका है, तो अभी वहाँ की आपको फुल नज़ारे में दिखाता हूँ। अभी हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। बहुत सारा भीड़ है, और मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा है, दिखाना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी उतना मुश्किल नहीं होगा। मैं दिखाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। आप ही कंटिन्यू रहिएगा, जाइएगा नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पनकटाई की जगह से आप जा रहे हैं वापस, जहाँ डीजे बजाया जा रहा है वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, वहाँ का भी इंटरटेनमेंट्स को अपने अंदर लाएंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा, वहाँ से आप फिर चलेंगे बराती की ओर, और बराती की यहाँ जब जयमाला होगा क्या होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन वहाँ जो भी होगा सब चीज़ हम आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा, बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। तो आप ही के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, अभी दिन का जो कार्य था वो अब ख़त्म हो चुका है, तो अभी रात हो चुका है, टाइम लगभग में 9:30 बज चुका है, और हम लोग अभी बस पे चढ़ने वाले हैं बाराती की ओर निकलने के लिए। तैयार हैं हम, बाराती जाने के लिए तैयार हैं। अभी बस पे हम बैठेंगे, और फिर उसके बाद कुछ ही पलों में वो मेरा बस खुलेगा और मैं पहुँचूँगा धीरा, जहाँ मुझे बाराती जाना है। तो बाकी का तो हम वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे, तो फिलहाल के लिए अभी हम सफ़र पर जा रहे हैं, आप हमारे साथ भी बने रहिएगा। जो बाकी आपको हम धीरा का नज़ारा दिखाते हैं, वहाँ का शादी का माहौल दिखाते हैं, क्या स्थिति है और किस प्रकार का वहाँ का शादी होता है, क्या सही तरीके से होता है या फिर कहीं फिर से शादी में लड़ाई झगड़ा होता है। तो चलिए, जो भी होगा अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो भी होगा फाइनली हम वहाँ जा कर के देख लेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं भी स्टॉप करता हूँ, अभी चलता हूँ। जैसे कि पीछे देख सकते हैं मेरा बस अभी दिख भी नहीं सकता है, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो देखिए यही बस है, अभी हम इसी पे चढ़ेंगे, और मेरा सीट है, अभी हम आगे बैठे हुए हैं, हम आगे बैठेंगे, फिर आगे से भी थोड़ा सा नज़ारा दिखाएंगे। रात्रि में कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फेस भी क्लियर नहीं दिख रहा है, तो जैसा भी दिख रहा है बेटर है। चलिए, हम अभी बस पे बैठेंगे, उसके बाद आगे का व्यू दिखाएंगे। यही मेरा बस है, हम इसी से जाने वाले हैं बराती। तो ठीक है, हमारे साथ आप कंटिन्यू रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। बाकी का नज़ारा हम आपको शादी में पहुंचने के बाद देखिए। ये है दूल्हा गाड़ी, अभी दूल्हा इसी पे बैठेंगे, तो ये है दूल्हा गाड़ी, फाइनली ये दूल्हा गाड़ी है, अब दूल्हा इस पे बैठेंगे और गाड़ी खुलने वाला है, ज़्यादा नहीं, बस अब कुछ ही मिनट में ये गाड़ी खुल जाएगी। और बाकी हमारा जो ये बस है, हम भी बस पे बैठेंगे और मेरा भी बस खुल जाएगी, और एक दिन मैं पहुँच जाऊँगा, समय पर पहुँचूँगा धीरा, जहाँ शादी होने वाला है। बाकी का नज़ारा तो मैं वहाँ दिखाऊँगा, तो फिलहाल ये दूल्हा भी देख सकते हैं, अभी नहीं दिख रहे हैं, चले गए उधर। तो अभी अंधेरा छा रहा है, मेरे पास उतना लाइट की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से हम आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखा पाएंगे। तो कोई बात नहीं, बाकी का दिखता, अगर उधर भी लाइट होगा, जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ लाइट जला कर आपको वीडियो दिखा रहे हैं, देख सकते हैं ये लाइट जला रहे हैं, उसके बाद हम वीडियो दिखा रहे हैं आपको। चलिए, तो फाइनली मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं फाइनली, ठीक है। अभी के लिए बाय, बाद में मिलते हैं।
दुल्हा जो कि फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हैं और बस मतलब फ्रेंड्स फाइनली आके हम हीरा पहुंच गया है, बाराती मेरा यहां पहुंच गया है। सारे लोग देख सकते हैं, हमारे सारे लोग यहां उतर चुके हैं। हमारे साथ अमरजीत भी है, अभी मेरे साथ में है। इसके जस्ट पीछे देखिए बस लगा हुआ है, अंधेरा है इसकी वजह से दिख नहीं रहा है, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लाइट रहता वहाँ तो हम दिखा देते। फिलहाल के लिए यहाँ तो हम अभी फिलहाल बाराती के लिए पहुँच गए हैं, लेकिन चलते हैं अपनी जगह पर जहाँ पे लोगों को ठहरना है, जहाँ पे लोग रहेंगे। फाइनली हम उस जगह पे भी पहुँचने वाले हैं, उसके बाद की नज़ारा भी दिखेगा। यहाँ पे कुछ स्टेज प्रोग्राम भी होने वाला है, तो स्टेज प्रोग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए अभी मैं उस जगह पे जाऊंगा जहाँ जाना है। तो ठीक है, अभी हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा, बने रहिए, बाकी का शादी का पूरा इन्जॉय आपको मिलेगा। चलो फ्रेंड्स, आखिरकार देखिए हम अपने 5-स्टार होटल में आ चुके हैं जहाँ हम लोग ठहर सकते हैं। जी हाँ, ये हमारा जहाँ हम लोग रहने वाले हैं, बाराती जो सारे लोग आए हैं जहाँ रहेंगे वो जगह है यार, 5-स्टार होटल है, उससे इतना सभी कमता नहीं है। सॉरी यार, मजाक कर दिया। हाँ ठीक है, बोलिए। ये है हमारे जलमासा जहाँ हम सारे बाराती लोग रहेंगे, देख सकते हैं ये सरकारी स्कूल है और हमारे रहने का व्यवस्था इसी सरकारी स्कूल में किया गया है। तो फिर कोई बात नहीं, एक रात काटनी है किसी भी तरह से, एक रात काट लेना है, बाकी तो फिर शादियों में रहनी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी सरकारी स्कूल है जहाँ हम लोग रहेंगे। उसके बाद फिर हम शादी का समय दिखाएंगे, पता नहीं जयमाला होगा तो जयमाला का भी नज़ारा दिखाएंगे, वहाँ का भी व्यू दिखाएंगे। और देखिए कुछ स्टेज तो भी है जहाँ पे क्या बताएं, वाइट कह सकते जो भी हो, नाचने वाले लोग आए हुए हैं, वहाँ का भी नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा दिखाने का। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा, अभी जाइएगा नहीं, मॉर्निंग तक का आपको नज़ारा दिखेगा, अभी रात में सुबह भी हो जाएगा। ठीक है, अभी देख सकते हैं सारे लोग हमारे साथ, बराती लोग हैं अभी। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आखिरकार हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां मंडप है, जहाँ शादी होगा, उस जगह पर पहुँचे हुए हैं। मतलब अभी हम लड़की के घर पे पहुँचे हुए हैं, जैसे कह सकते हैं अभी हम लड़की के घर पे पहुँचे हुए हैं। और देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा है आप, ये है मड़वा मंडप छपड़ा, जो भी बोलता है ये मड़वा छपड़ा, देख सकते हैं आप। अभी हम यहाँ आए हुए हैं, अभी कुछ कार्य शुरू नहीं हुआ है, अभी शुरू होगा तब से दिखाते हैं। अभी मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं, बस मैं आपको दिखाया हूं। उसके बाद हम यहां से जाएंगे डायरेक्टली खाना खाने के लिए, फिर वहां का छोटा सा नज़ारा दिखाएंगे, उसके बाद यहां पे जो कार्य भी होगा फिर बाकी का हम आपको यहां वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, तो फिर हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा, जाइएगा नहीं, मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आखिरकार देखिए अब हम आ गए हैं खाना खाने के लिए, देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं अभी खाने के लिए। हम तीसरे पंगत में आए हैं, फर्स्ट तो हम नहीं आए, जब फर्स्ट में आए थे तो सीट नहीं मिला था, सेकंड में आए तो भी सीट नहीं मिला था, लेकिन थर्ड में आए तो सीट मिला है। अभी पत्तल मिल गया है, पूड़ियाँ भी मिल चुका है, इनको देखते हैं हमें बड़ी ज़्यादा चिड़ते हैं। अभी हम खाने के प्रोसेस में लगे हैं, जैसे देख सकते हैं हमारे साथ इधर हैं पृथ्वी है, देख सकते हैं। अभी खाना खाना है, खाने के बाद फिर बाकी का नज़ारा दिखाते हैं। अभी फिलहाल के लिए तभी हम खाने के लिए आए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ का पूरा नज़ारा, उतना हैवी खाना नहीं है, कोई बात नहीं है, पर किसी तरह से पेट भर जाए बस यही जरूरी है, पेट भरो फिर निकलो उसके बाद। और ये देखिए मासूम इंसान, बहुत मस्त है, यही है खाना मस्त वाला। देखिए पूरी है, सिंधिया है और बैंगन का सब्जी है, गिलास में मिला है लेकिन अभी पानी नहीं मिला, अभी हैंड वॉश भी नहीं किए हैं सभी का, देख सकते हैं सारे लोग कितनी ईमानदारी से बैठे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आखिरकार वो टाइम आ गया है, अभी जा रहे हैं संधि मिलन के लिए, उधर से लड़की वाले आ रहे हैं और मेरे पीछे से लड़के वाले आ रहे हैं, और जैसे कि देख सकते हैं ये फोर व्हीलर भी आ रहा है, लड़के वाले गाड़ी भी है,
और इधर लड़की वाला है, जो अभी लड़की वाले हमें बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ये जो दिख रहा है हमें, वो क्या है, पटाखा छूटने वाला है, समझ में नहीं आता। खुशी के मौके पर एक पटाखा भी छूट रहा है, पटाखा आया नहीं है बट यहाँ पर पटाखा गया है। देखिए वो होता क्या है पटाखा का, इसकी भी देखिए। पटाखा छूट गया है, जो कि सूचना मिल गया है कि अब संधि मिलन का टाइम आ गया है, हम जा रहे हैं संधि मिलन में। लिए देख सकते हैं संधि मिलन के लिए वहाँ से हमारे गाड़ी आ रही है। अभी देखते हैं अभी क्या होता है आगे संधि मिलन का। थोड़ा सा अभी वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उस समय तो मेरी आवाज़ नहीं जाएगा, क्योंकि उधर से उधर का बाजा और मेरे तरफ से मेरे बाजा दोनों का साउंड वहाँ पर टकराएगा, तो वहाँ का हम बोल नहीं पाएंगे। अगर बोलेंगे भी तो सुनाई नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, जो भी बोलना था मैं अभी बोल देता हूँ। संधि मिलन के लिए हम लोग तैयार हैं, संधि मिलन के लिए हम जा रहे हैं। तो आप इंजॉय कीजिए और संधि मिलन देखिए, और देखिए हमारे इस गांव में किस प्रकार का शादी होता है और किस प्रकार का संधि मिलन होता है। ठीक है, तो कंटिन्यू रहिएगा, जाइएगा नहीं। ओके, तो बाय। अभी बहुत कुछ बाकी है, कंटिन्यू सॉरी अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी कंटिन्यू रहिए, जानने की कोशिश ना करें। अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, और हाँ शेयर ज़रूर करें। बस 10-15 मिनट के अंदर यहाँ सुबह और सुबह आ जाएंगे, तो वहाँ से हमने अपना नज़ारा देखिए। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर स्टॉपिंग करता हूँ। ये है जयमाला का स्थान, बस का नज़ारा देखने के लिए रेडी है। बात करके नहीं रहिएगा, जाइएगा नहीं, लगातार हमारे साथ आप बने रहिएगा।
यही जाएंगे, चल के उठा के लेकर जैसे ले जाए तोर मर्जी। तो हाथों से नहीं कीजिएगा, ठीक है? यहाँ दिक्कत रहेगा हम खुद बताएंगे। हट जाइए तभी आप देखिएगा, हट गए नहीं आप लोग भी गजब कर रहे हैं। रोड़ी वाला एक ने रोड़ी अंधियार को मतलब जापान इनसे ज्यादा आप ही का फुटबॉल फिर आएगा रे आगे भी तुमको हमारा नाम देने की जगह तो भारत में आगे लक्षण धारो।